गर गर गम गर सासा रिसा धरी सासा गर गर गम गर सासा। नमस्ते, अभी हम हैं अहमदाबाद के सनराइज पार्क में जो कि वस्त्रापुर में बसा हुआ है और हम अभय शाह और मंजू जी उनके घर पे है अभी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? अभी मैं यहाँ पे हम लोग आए हैं स्पेशली इनसे मिलने। अभय जी ने अभी अपने घुटने की सर्जरी 15 दिन पहले कराई, तो हमने सोचा कि हॉस्पिटल में तो हम इंटरव्यू करते हैं तो क्यों ना थोड़ा सा वेट करके घर पे जाए, फिर उनका एक्सपीरियंस पूछे कि 15 दिन में कितना फर्क पड़ा है, तो वो जानने के लिए भी हमारे अभय जी के घर पे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभय जी का परिचय डॉक्टर विक्रम शाह और शैली से, वो वाकिफ है 25 साल के करीब से और काफी इंटरेस्टिंग उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं जरा पहले शुरुआत में जानेंगे कि अभय जी बताइए कि आप बताइए कि आप बोल रहे थे कि आप 25 साल के करीब से। केतन भाई, मैं विक्रम भाई को करीब 25 साल के आसपास से जानता हूँ। मेरी वाइफ को जब नी की प्रॉब्लम थी करीब 2000 के आसपास के सालों में, तो मैंने उनका कंसल्टेशन लिया। उन्होंने ये बोला कि भाई आप इसको ऐसे ही चलने दो, अभी अपने को सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हमारे जो सराउंडिंग यार दोस्त, उन्होंने बोला कि नहीं भी आप दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन लो वगैरह सब कुछ। तो हम लोग बॉम्बे भी गए, अहमदाबाद के भी दूसरे बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक्स वाले को बताया, सभी ने ये बोला कि आप सर्जरी करा लो। इवन बॉम्बे के अच्छे से अच्छे डॉक्टर ने भी बोला कि आप सर्जरी करा लो। विक्रम भाई ने मेरे को साफ मना करा कि आप सर्जरी नहीं कराओ, अभी बहन की उम्र छोटी है, अभी ये सर्जरी लायक केस नहीं है। तो विक्रम भाई ने ये जो 2001-2000 की साल का किस्सा था, उसकी सर्जरी उन्होंने 2011 में हमको बोला कि अब आप ये सर्जरी करवा लो, अब चले ऐसा नहीं है। जैसे विक्रम भाई ने बोला 10 दिन के अंदर हमने सर्जरी करवा ली और विक्रम भाई ने उसी टाइम हमको एक पैर की सर्जरी का सजेस्ट करा था, वो हमने उसी टाइम मतलब 8-10 दिन में वो एक पैर की सर्जरी करवा ली। और उसके बाद मंजू जी का एक्सपीरियंस कैसा, आपका दर्द सब चला गया होगा? मेरा दर्द एकदम चला गया। मेरे विक्रम साहब ने इतनी बढ़िया सर्जरी की कि मैं कह नहीं सकती आप। उसके बाद मैं आधा पौन घंटा डेली वॉक करती हूँ और दूसरा उनके कहने के हिसाब से मैं बिल्कुल चलती हूँ। क्या बात है। और फिर आपने दूसरी सर्जरी कराई 2016 में, उसका एक्सपीरियंस बताइए। दूसरी सर्जरी में 2016 में, उसके बाद मेरे दोनों पैर एकदम सही हो गए, मतलब बराबर चलने लायक हो गई। मैं तो सबको यही कहती हूँ कि जब आपके पैर में पेन हो तो आप सर्जरी का बोले डॉक्टर तो जरूर कराए, उसमें कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि विक्रम शाह की सर्जरी इतनी बढ़िया है कि आपको आफ्टर ऑपरेशन कोई पेन नहीं होता है। क्या बात है। और आप तो काफी घूमे भी हो सर्जरी के बाद, काफी जगह हम लोग घूमते रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि हमने नी की, हम तो बिफोर और आफ्टर सर्जरी के पहले और बाद में दोनों बार घूमते हैं। क्या बात है। और अभी भी आपने फर्स्ट सर्जरी कराई थी तकरीबन 5 साल पहले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बताइए कि उसके बाद के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मुझे 2017 में थोड़ा नी का पेन, 17-18 में नी का पेन चालू हुआ। मैं विक्रम भाई के पास गया, उन्होंने बोला कि अभी भी तो राइट पैर में आपको प्रॉब्लम है, आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। मैंने इमीडिएट डिसीजन लेके 8 दिन के अंदर सर्जरी करवा ली, क्योंकि मेरे पास मेरे घर का ही एक्सपीरियंस था। मेरी वाइफ ने दोनों पैर की सर्जरी करवाई हुई थी, तो मैं हाईली सेटिस्फाइड था उसके रिजल्ट से। तो मैंने 8 दिन में मेरी सर्जरी करवा ली। उस बात को आज 5 साल हुआ, आप ये देखना चाहो तो देखो मेरा ये पैर कैसे मुड़ता है। क्या बात है। और भी आप बात कर रहे थे कि आप तो काफी एक्टिव लाइफ जीते। मैं ये सर्जरी करवाने के बाद 2018 के बाद, ये अभी मैंने 24 जुलाई को दूसरी सर्जरी करवाई 2023 में, तक मैं डेली 1 घंटा वॉक करता हूँ, डेली 1 घंटा और सिंगल राउंड में। ऐसा नहीं कि बीच में मैं ब्रेक लेता हूँ, और मुझे कोई पेन ये राइट पैर में नहीं होता है। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि अभय जी इसके बाद क्या उनकी स्थिति, क्या फर्क पड़ा, कि उनका जो सर्जरी का एक एक्सपीरियंस है, यूनिक एक्सपीरियंस था, और वो अभय जी खुद ही बताए तो काफी मजा आएगा। अभय जी बताइए कि आप जो बोल रहे थे कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर का एक्सपीरियंस। केतन भी ऐसा है कि मैं ऑपरेशन थिएटर में, मुझे ले गए, मुझे कमर पे इंजेक्शन दिया, मेरा जो निचला हिस्सा था वो एकदम वाह सुन कर दिया। मुझे कुछ पता नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है,
ऊपर का हिस्सा पूरा, मतलब मैं कॉन्शियस था, अंदर सारे डॉक्टर सब थे और वहाँ म्यूजिक बज रहा था, बड़े अच्छे प्यारे सॉन्ग्स बज रहे थे। मैं म्यूजिक का बहुत बड़ा शौकीन आदमी हूँ, तो वहाँ अंदर एक गाना आ रहा था, कहीं दूर जब दिन ढल जावे, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। एक साइड मेरी नीचे से सर्जरी हो रही थी और दूसरी साइड सर्जरी के साथ मैं गाना गा रहा था। क्या बात, आनंद का गाना, आनंद का गाना, आनंद का गाना राजेश। और एक्चुअली मेरे को उसमें बहुत आनंद मिलता था। और ये सर्जरी के बाद बताइए कि आप बोल रहे हो कि बहुत ही जल्दी रिकवरी, आपकी काफी फास्ट रिकवरी। मेरी रिकवरी सर्जरी के बाद, मैं आपको बताऊं केतन भी, आज करीब 18 दिन हुआ मेरे को सर्जरी के बाद, कभी पेन नहीं हुआ। क्या बात, कभी पेन हुआ ही नहीं है। बस ये स्वेलिंग वगैरह मामूली है, वो कोई इश्यू नहीं है। वो सर ने बोला है कि भाई ये धीमे धीमे एक आध डेढ़ महीने के अंदर सारा खत्म हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस के बारे में, डॉक्टर विक्रम शाह, उनकी टीम भी काफी बड़ी टीम, उनकी टीम में भरत भी है, धीरेन भी है, दे आर एक्सेलेंट डॉक्टर। और मैं मेन बताऊँ, दर्शनी बहन है, ये भी हर पेशेंट को पूछने जाते हैं कि भाई आपकी तबीयत कैसी है। मतलब ये लोग, ये एक्चुअली इसको हॉस्पिटल नाम ही गलत दिया है, ये फैमिली है, ये घर है, एक हम तो घर समझते हैं। और एक बात और बता दूं आपको मैं, कि हमारे घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ये मेडिकल के हिसाब से, तो हम विक्रम भी के अलावा कहीं नहीं जाते। इवन अभी पिछले 3 महीने पहले मेरी वाइफ को गायनिक की प्रॉब्लम थी, तो मैंने विक्रम सर को ही रिक्वेस्ट करी कि साहब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, इसकी सर्जरी यहीं होनी चाहिए। और वो सर्जरी वहाँ हुई और उसके बाद इतने अच्छे रिजल्ट आए, वो इसको पूछो आप। बताइए मंजू जी, आपकी अभी सर्जरी हुई थी थोड़े टाइम पहले गायनेक, जैसे अभी जी ने बताया, उसके उसके उसका परिणाम कैसा रहा, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? परिणाम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, डॉक्टर्स अच्छे थे, दूसरा और सारी फैसिलिटी जो डॉक्टर साहब ने वहाँ पे की वो बहुत ही बढ़िया की, उससे मैं हाईली सेटिस्फाइड। क्या और अभी जी ये बताइए कि जो हमारा वहाँ पे सपोर्ट स्टाफ है शेल्बी में, एक्सेलेंट, डबल ए, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे घंटी बजाती है ना, तो मेरे को लगता है बाहरी आदमी बैठा हुआ है। और वहाँ के रूम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या? बहुत अच्छा, और अभी तो हॉस्पिटल बहुत मेंटेन है, बहुत जबरदस्त मेंटेन है, अनबीटन। और आपसे बात करते हुए मुझे ये लगा कि काफी लोग होते, काफी पेशेंट्स सर्जरी से बहुत डरते, ऑपरेशन से डरते और अपना दर्द झेलते रहते, तो उनका घुटना और भी बिगड़ जाता है, तो उससे फिर प्रॉब्लम उनकी और भी बढ़ जाती है। पर ये जैसे अभी बताया अभी जी ने कि उन्होंने वेट नहीं किया, तो ऐसे लोग की जो वेट करते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? नहीं, वो बहुत गलत करते हैं, जो वेट करते हैं ना उनको मन में एक फियर है कि सर्जरी के बाद मेरा, मैं आज ये बैठा हूँ, मैंने दूसरी बार सर्जरी करवाई, 18 दिन हो गए, मेरे को कोई जगह कोई पेन नहीं हुआ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे को पेन ही नहीं हुआ। लोग आके पूछते हैं आपको कैसे, मैंने बोला मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी भी आज की तारीख में भी मैं 20-25 मिनट चलता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि जब मैंने अभय जी को फोन किया कल कि अभय जी अभी शूटिंग का प्लान करें, मुझे ऐसा था कि अभय जी एक आध महीना तो छुट्टी लेके घर पे रहेंगे, तो फिर उन्होंने बोला कि आना है तो कल तक आ जाओ, क्योंकि परसों से तो मैं ऑफिस जाना शुरू कर रहा हूँ, ऑफिस अपना काम करना शुरू कर रहा हूँ, तो कल तक समय है, तब आ जाइए। तो भाई जी ऑल द वेरी बेस्ट, मतलब आप कल से वापस चले? बिल्कुल बिल्कुल, करना ही है ना काम, तो करना ही है। अब ठीक है यार, जो टाइम ये जो नेचुरल टाइम इसमें जो लगेगा वो लगेगा, स्टिचेस वगैरह तो अंदर से डिसॉल्व हो जाएंगे, बाकी कोई इश्यू नहीं, मैं टोटली कंफर्टेबल हूँ। और सबसे बड़ा थैंक्स डॉक्टर विक्रम भाई को कि ऐसे डॉक्टर अपने अहमदाबाद में अपने साथ है, वो अहमदाबाद के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, अहमदाबाद नहीं बल्कि इंडिया के लिए ब्लेसिंग है। और मंजू जी आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगी किसी को भी सर्जरी नहीं की करवानी हो तो डॉक्टर विक्रम शाह से ही कराएं, क्योंकि वहाँ सर्जरी करने के बाद पीछे कोई भी पेन नहीं रहता है और हाईली सेटिस्फाइड वहाँ आपने है ना। मैं बताऊं जैसे आज भी हमारा तो क्या परिवार पूरा है, अगर वहाँ सिंगल आदमी भी जाके सर्जरी करवा के आ जाएगा ना, उसको कोई डरने की चिंता नहीं। और अभी जी आप बता रहे, जो बात कर रहे थे कि आप काफी लोगों को जानते हैं कि जिन्होंने शेल्बी में डॉक्टर विक्रम शाह और टीम से मेरे कम से कम 40-50 लोग हैं जो हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव है, सबने शेल्बी में सर्जरी करवाई है और ऑल आर हाईली हाईली वेरी सेटिस्फाइड, किसी को आज के दिन में नी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। और अभी जी ने भी हमें ये भी बता रहे थे कि उनकी ऑन सिस्टर जो 80 ईयर्स ओल्ड
उनकी भी दोनों पांव की सर्जरी हुई थी शरीर में, एक साथ हुई थी, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सिस्टर फाइन, एट द एज ऑफ 80 उन्होंने दोनों पैर की, विक्रम भाई ने बोला कि अभी भी दो पैर की करवाओ, दोनों पैर की करवाए। कई हमारे सर, मैं आपको केतन भी बताऊं, कई हमारे जो सर्कल में ऐसा है कि जो मतलब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो उनका सोचना यही होता है कि भाई हम बॉम्बे जावे या अमेरिका जाके सर्जरी करवा के आ जावे। मैंने कई लोगों को बोला है कि वो आप करोगे सबसे बड़ी गलती करोगे, और उसमें से कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने यहाँ अहमदाबाद में विक्रम भाई के हाथ से सर्जरी करवाई और आज बिंदास घूमते हैं। इनफैक्ट आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बात है। हम कल ही मिले थे हमारी कृष्णा शेट्टी हॉस्पिटल में, कि नासा में वो साइंटिस्ट थे, प्रोजेक्ट इंजीनियर, ही इज इन यूएसए राइट नाउ, यूएसए में रहते, नासा में पहले काम करते थे। उनकी वाइफ की सर्जरी के लिए वो लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनका भी एकदम बहुत सही। मैं इसके लिए तो कहता हूँ ना कि हम लोग बहुत लकी है कि अहमदाबाद में विक्रम भाई के साथ है, अमेरिका से आए वो स्पेशली। इसके लिए मैंने बोला, इसके लिए हम बहुत प्राउड फील करता है भैया कि भाई हमारे साथ विक्रम भाई है। आज जो अमेर मतलब देखो ये अमेरिका वाले समझते हैं, पर यहाँ वाले कुछ और सोचते हैं। ठीक है भाई जी, नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम वेलकम।